Very nice. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूँ आमिर और आज हम खड़े हैं जी इल्फर लेन पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। जिन जो लोग रोज़ा रख रहे हैं उन सबको रोज़ा मुबारक हो। आज हमारा इधर दूसरा रोज़ा है और अच्छा जा रहा है। सुबह हम 4:20 पे बंद करते हैं और शाम को 6:20 पे खुल जाता है। अभी हमारी इधर जो है डे लाइट सेविंग चल रही है, तो 28 मार्च से यहाँ से टाइम चेंज हो जाएगा, तो इसलिए जो रोज़ा आगे 7:20 पे खुला करेगा टाइम चेंज हो जाएगा। तो आज सारा दिन बारिश रही है, तो अच्छा था मौसम काफ़ी। आज हमारी टीम थोड़ी शॉर्ट है, तो इसलिए हमने सोचा कि जो लोकल हमारे टेक अवे टाइप शॉप है उनसे हमारी कोई चीज़ वगैरह ट्राई की जाए, कोई कढ़ाई या कुछ तरह की चीज़। तो हम आए हैं इधर ताज ग्रिल पे। ताज ग्रिल इधर लोकल नेटिव्स में काफ़ी फेमस है, तो इनका खाना हम चेक करते हैं और साथ आपको भी चेक करवाते हैं। तो चलें, चलते हैं। रोज़ा हमने एक्चुअली घर में खोल लिया था, इधर हम सिर्फ मेन मील के लिए आए हैं। तो अभी हमने इनका तवा प्लेटर ऑर्डर किया है, वो आता है तो आपको भी चेक करवाते हैं। तवा प्लेटर, ये हमारा तवा प्लेटर आ गया। देखे कितना प्यारी प्रेजेंटेशन है इसकी, और ये कढ़ाई जो है इसकी सही गर्म है, हाथ से नहीं पकड़नी होती। तो हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें अभी आपको बताते हैं। लैम कढ़ाई जी, चिकन कढ़ाई जी, चिकन कबाब हैं जी, लैम कबाब, हमारी फ़िश, ये चिप्स और नान, और इसके नीचे चिकन टिक्का भी है। तो ये आई थिंक 2 to 3 पीपल सर्विंग है इसकी, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये एम्पल फूड है, 2 से 3 बंदे इजीली इसको खा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितनी भूख है। और प्राइस भी इसकी जो है वो रीज़नेबल है, मेरे हाल में इस प्राइस में ये बिल्कुल वर्थ इट है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, शुरू करते हैं जी चिकन कढ़ाई से। तो ये है जी इनका नान, काफ़ी सॉफ्ट नान है। अभी हम इनकी चिकन कढ़ाई ट्राई करते हैं। कोरमा टाइप इसका टेस्ट है चिकन का, सही। मसाले जो हैं वो अपने देसी मसालों की तरह, मतलब माइल्ड नहीं है, प्रॉपर मसाले हैं देसी, अच्छा टेस्ट है। अब हम इनके कबाब ट्राई कर लेते हैं। ये है जी इनका चिकन सीख कबाब। वेरी नाइस चिकन सीख कबाब। मेरे हाल में जितने भी हमने रिव्यू किए हैं रेस्टोरेंट्स, उन सब में से मुझे इनका सीख कबाब बहुत अच्छा लगा, तो ये रिकमेंडेड है। ये है जी लैम सीख कबाब। अच्छा, इनकी ये जो सॉस है ये भी काफ़ी अच्छी है, ये जो रेड वाली है। मीट का ऑथेंटिक टेस्ट है इसमें, मसाले डाले हुए हैं इन्होंने स्पाइसेस, लेकिन मीट का अपना ऑथेंटिक टेस्ट भी आ रहा है। ये है जी इनकी फिश। ये
फिश हो गया नॉर्मल जैसा से फ्राइड फिश होती है उसी तरह से है, मतलब इसमें जो नमक लग रहा है बाकी कोई है एज सच स्पाइसेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे, नमक इसमें ज़्यादा डाला हुआ है लेकिन टेस्ट ठीक है। ये है जी इनका चिकन टिक्का, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा पता नहीं मैंने रोज़ा रखा था उस वजह से या क्या वजह है, लेकिन हर चीज़ का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है और चिकन भी इनका जो है वो टिक्का सही कुक्ड है, सही वेल डन है, तो कोई वो जो होता ना स्टिकी सा वो नहीं फील हो रहा, प्रॉपर इसका जूसी सा टेस्ट है, तो इनकी सारी चीज़ें मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। एंड में ये फ्राइज चेक कर लेते हैं, फ्राइज भी फ्रेश हैं। अच्छा मीट जो है करी, मैं ज़्यादा चिकन का फ़ैन हूँ तो मीट करी मेरे भाई ने चेक किया है, वो भी कह रहे हैं काफ़ी टेस्टी है, तो इसका भी टेस्ट अच्छा है। मैं वैसे चिकन का फ़ैन हूँ ज़्यादा, तो मेरे लिए सारी चीज़ें वेरी नाइस, तो ये रेस्टोरेंट रिकमेंडेड है। थैंक यू। हाँ जी खाना हमने खा लिया, काफ़ी टेस्टी खाना था और मेरे हाल में प्राइस से भी वर्थ द मनी था, और जो हमसे पूरा फिनिश नहीं हुआ, 2% सर्विंग था लेकिन हमसे फिनिश नहीं हुआ, हमने पैक करा लिया साथ लेके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और ब्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज़।